क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ जो घटना घट रही है वो आपने पहले भी कभी देखा हो? एलन गुथ ने साल 1980 में इन्फ्लेशन थ्योरी का इजाद किया। उन्होंने बताया कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड कुछ समय तक बहुत ही तेजी से फैला था, फिर इसका फैलाव धीमा हो गया, लेकिन ब्रह्मांड का फैलाव जारी रहा। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में एक ऐसा फोर्स, एक ऐसी शक्ति है जो ग्रेविटी के ऑपोजिट काम कर रही थी, और ये शक्ति बिग बैंग के बाद चीजों को खींच नहीं रही थी बल्कि ये उन्हें एक दूसरे से दूर धकेल रही थी। ये रिपल्सिव ग्रेविटी ब्रह्मांड को फैला रही थी जिससे ब्रह्मांड का आकार लगातार बड़ा हो रहा था। उन्होंने गणितीय तौर पर यह सिद्ध किया कि ये फोर्स इतना ताकतवर था कि ये बस एक बिंदु के आकार के ब्रह्मांड को हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के आकार जितना बड़ा कर दिया, वो भी बस एक सेकंड के अरब अरब अरबवें भाग में। इसके बाद ब्रह्मांड के फैलने का रफ्तार धीमा हो गया। पर यह धीमा क्यों हो गया और इन्फ्लेशन का अंत कैसे हुआ? यहाँ प्रोफेसर एलेक्स वेलिंकिन ने थ्योरेटिकली बताया कि इन्फ्लेशन का अंत सभी जगहों पर एक ही रफ्तार से नहीं होता है, यानी कि ब्रह्मांड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी इन्फ्लेशन की प्रक्रिया चल रही होगी। उन्होंने इसे इटरनल इन्फ्लेशन का नाम दिया। उन्होंने बताया कि बिग बैंग असल में कोई एकमात्र अनोखी घटना नहीं थी, बल्कि ऐसे अनेक विस्फोट हमारे ब्रह्मांड के आने से पहले भी हुए हैं और अभी भी जारी होंगे, जो नए ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स जो ब्रह्मांड के बारे में बड़े पैमाने पर खोज कर रहे थे, उन्होंने ब्रह्मांड की एक बहुत ही अजीब सी और रहस्यमयी चीज का पता लगाया। एक ऐसी चीज जिसे हम ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर प्रभाव डालता है और ये संबंधित है ब्रह्मांड के विस्तार से। आइए इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है, जैसे ही आप इसे ऊपर उछालोगे ये कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वापस नीचे आ जाएगा। वैज्ञानिकों ने माना कि ब्रह्मांड का विस्तार भी एक लेवल पे जाकर स्टार्स और गैलेक्सीज के ग्रेविटी के कारण धीमा हो जाएगा, ठीक वैसा ही जैसा पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण बॉल वापस नीचे आता है। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में ब्रह्मांड के विस्तार को मापा, तब कुछ बहुत ही खास मिला जो हमारे भौतिकी को एक नया मोड़ देने वाला था। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का फैलाव असल में धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि वो समय के साथ और तेज हो रहा था। यानी कि अगर आप इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ये धीमा होने की बजाय और तेज होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि बॉल कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें उसमें अलग से बल लगाना ही पड़ेगा जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से भी अधिक हो और वो लगातार बॉल को तेज और तेज धकेलता रहे। एस्ट्रोनॉमर्स भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का अदृश्य एनर्जी है जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रहा है, और चूंकि हम इस एनर्जी को देख नहीं सकते इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा डार्क एनर्जी। परंतु खगोलविदों ने जब मैथमेटिकली डार्क एनर्जी का अनुमान लगाया, तब मैथमेटिकली ज्ञात आंकड़ा ब्रह्मांड में मौजूद डार्क एनर्जी की वास्तविक मात्रा से मेल नहीं खा रहा था। यानी यहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी, आखिर गणित हमें गलत कैसे दिखा सकता है? इसी पर वैज्ञानिकों ने विचार रखा कि शायद डार्क एनर्जी की जिस मान को हमने मापा है वो असल में किसी अन्य ब्रह्मांड का हो सकता है। और हाँ, इसी डार्क एनर्जी की वजह से ही ब्रह्मांड में स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, अन्यथा हम यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते। आइए अब बात करते हैं एक ऐसे थ्योरी के बारे में जिसने भौतिक शास्त्रियों को दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक चीज एटम से बने हैं, और एटम्स भी और छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और गहराई में जाने से पता चला कि ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिसे कहते हैं क्वार्क्स। लेकिन भौतिक शास्त्रियों ने देखा कि ये भी मैटर की सबसे छोटी इकाई नहीं हो सकती, बल्कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी छोटे छोटे वाइब्रेट करने वाले वन डायमेंशनल एनर्जी लूप से बने हैं जिसे कहते हैं स्ट्रिंग्स। और यहीं से एक नए थ्योरी का इजाद हुआ जिसे कहा जाता है स्ट्रिंग थ्योरी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद सारे मैटर, सभी चीजें असल में इन्हीं वाइब्रेट करने वाले स्ट्रिंग से बने होते हैं। और जैसा कि किसी गिटार का एक ही स्ट्रिंग उसके वाइब्रेशन के अनुसार अलग अलग नोट्स को प्ले कर सकता है, ठीक उसी प्रकार ये वाइब्रेट करने वाले स्ट्रिंग्स भी अलग अलग पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं जो उनके वाइब्रेशन पर निर्भर करता है। ये थ्योरी एक प्रकार से हमारे सभी सवालों का जवाब बना, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है। साथ ही स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स की ओर भी इशारा करती है। ये ब्रह्मांड के एक्स्ट्रा डायमेंशंस को सजेस्ट करता है। हम सभी ब्रह्मांड के तीसरे डायमेंशन से परिचित होंगे, एक्स, वाई और जेड। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी का गणित बताता है कि ब्रह्मांड में केवल यही डायमेंशंस नहीं है, ये कहता है कि ब्रह्मांड में कुल 9 स्पेशल डायमेंशंस हो सकते हैं। तो अगर ये थ्योरी सही है
तो आखिर ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस कहाँ है और आखिर हम उन्हें क्यों नहीं देख सकते? देखिए इस खंभे में लगे केबल को, दूर से ये बस एक टू डायमेंशनल लाइन की तरह दिखता है, लेकिन अगर हम एक चींटी के आकार जितना छोटे हो जाएं, तो हम यहाँ एक बिल्कुल नए डायमेंशन को देख पाएंगे, एक सर्कुलर डायमेंशन जो कि केबल के चारों ओर है। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि अगर हम उस चींटी से भी कई अरब गुना छोटे हो जाएं, तो हम छोटे छोटे एक्स्ट्रा डायमेंशंस को भी देख पाएंगे जो सभी जगहों पर मौजूद हैं, और इन्हीं एक्स्ट्रा डायमेंशंस के आकार हमारे ब्रह्मांड के मौलिक वास्तविकता बन जाती है। आपने देखा होगा कि अलग अलग आकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग ध्वनियां यानी वाइब्रेशंस बनते हैं, ठीक उसी प्रकार इन एक्स्ट्रा डायमेंशंस के आकार भी अलग अलग वाइब्रेशंस को बनाता है, और यही वाइब्रेशंस पार्टिकल्स के अलग अलग गुणों को दिखाती है। आसान भाषा में ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस के आकार ही ये तय करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसा दिखेगा और कैसा काम करेगा। तो अंत में ये तीनों सिद्धांत, इटर्नल इन्फ्लेशन, डार्क एनर्जी और स्ट्रिंग थ्योरी, ये तीन बुनियादी खंभे बने जो इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं। ये तीनों थ्योरी जो भौतिकी के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, लेकिन ये एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद हम सब एक मल्टीवर्स या फिर एक पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं। इन थ्योरीज ने वैज्ञानिकों के बीच में गहरी चर्चा शुरू कर दी है। हम इसे गणितीय तौर पर तो साबित कर सकते हैं, पर हम इसे एक्सपेरिमेंट्स द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ हमारे ब्रह्मांड की मौलिक सच्चाई हो सकती है, और अगर ऐसा है तो पैरेलल यूनिवर्स भी जरूर होगा। हो सकता है कि ये अलग डायमेंशंस में हो, या फिर ये सेपरेट यूनिवर्स में भी हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे जरूर। ये तो थे वैज्ञानिकों द्वारा रखे गए विचार, परंतु क्या आपने भी अपने असल जीवन में समानांतर ब्रह्मांड को महसूस किया है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ जो घटना घट रही है वो आपने पहले भी कभी देखा हो? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसा कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं किसी नई जगह पर घूमने गए हो जहां आप पहली बार गए हो, लेकिन फिर भी क्या आपको ऐसा लगा है कि आपने उस जगह को पहले भी देखा था, और जो भी आप अनुभव कर रहे हो उसे आपने पहले भी अनुभव किया है? जी हाँ, ऐसा हम में से अधिकतर लोगों के साथ होता है। पर ये है क्या? इसे कहते हैं देजा वू। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराइए मत, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है, ये सामान्य है। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। हो सकता है कि इसका संबंध पैरेलल यूनिवर्स से हो। ऐसा भी हो सकता है कि अन्य ब्रह्मांड में हमने उस जगह को पहले भी देखा था और वो यादें ही हमारे मस्तिष्क में आ गए होंगे, जिससे हमें ऐसी अनुभूति होती है। ये अनुभूति एक प्रकार की यादें हैं, जो कहाँ से हमारे मस्तिष्क में आती है ये कोई नहीं जानता। पर केवल यही नहीं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको पूरी तरह चौंका देगी। दी मंडेला इफेक्ट। सोचो क्या हो अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है जो आपको अच्छे तरीके से याद है, लेकिन जब आप दूसरों को इस घटना के बारे में बताते हो तो वो इसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। अगर ऐसा केवल एक व्यक्ति के साथ हो तो हम उसे उसका भ्रम कह सकते हैं, लेकिन अगर लाखों लोग इस घटना के बारे में कहें तो आप क्या कहोगे? इसी इफेक्ट को मंडेला इफेक्ट कहा जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला के मौत से। अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि नेल्सन मंडेला की मौत कब हुई तो आपको ये डेट मिलेगा, 5 दिसंबर 2013। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु साल 1991 में ही हो गई थी, जब वे क्रांतिकारी वजह से जेल में थे। यहाँ तक कि कई लोग टीवी पर मंडेला के अंतिम संस्कार को लाइव देखने का भी दावा करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही आदमी की मौत दो बार हुई है, और हम उन लाखों लोगों को भी गलत नहीं ठहरा सकते जो इसे देखने का दावा करते हैं? इस इफेक्ट के और भी उदाहरण हैं। आपने किटकैट तो खाया ही होगा, तो यहाँ बताओ कि किटकैट का कौन सा लोगो सही है, किट और कैट के बीच में डैश वाला या बिना डैश वाला? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये डैश वाला ही सही है, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं बिना डैश वाला ही सही है। पर किटकैट के लोगों में कभी डैश था ही नहीं, फिर भी लाखों लोग ये क्यों मानते हैं कि किट और कैट के बीच में डैश वाला लोगो सही है? इतने सारे लोगों को तो एक ही जैसा भ्रम नहीं हो सकता। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे लोग ऐसी घटना पर विश्वास करते हैं जो कभी घटी ही नहीं थी? आखिर उनके दिमाग में ये यादें कहाँ से आती है? फियोना ब्रूम, जिन्होंने मैंडेला इफेक्ट के विचार को रखा था, वो कहती हैं कि हो सकता है कि ये मेमोरीज पैरेलल यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में लीक हो जाती हैं, जिससे हमें ये लगता है कि ऐसी घटना हुई थी, या फिर शायद हम ही एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में खसक जाते हों, वो भी बिना जाने, और इस ब्रह्मांड में हमारे द्वारा देखी हुई घटना घटी नहीं जिसे हमने उस ब्रह्मांड में देखा था।